और खबर अब भोपाल से, जहां उमंग सिंगार ने फिर साधा दिग्विजय सिंह पर निशाना। इशारों इशारों में दिग्विजय पर निशाना साधा है और कहा है कि कौन लोग हैं जो कांग्रेस में आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये मीडिया को देखकर उमंग सिंगार चुप हुए, बोले मीडिया के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहता। सिंगार के वायरल वीडियो पर अब विधि शर्मा ने तंज कसा है, दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। कहा है कि उमंग सिंगार ठीक बोलते हैं, कांग्रेस में अन्याय हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं, कुछ लोगों ने रोक रखी है, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ अपने भी है। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो कांग्रेस पर रह के अपने आदिवासियों को रोक रहे हैं। उस बात पर भी आपको पार्टी मंच पर विचार करना चाहिए। मैं आदिवासियों को उत्थान विकास की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मीडिया भी बहुत सारा आ गया, इसलिए कई बातें मैं परिवार की नई नई बात में बोलना नहीं चाहता हूं। उमंग सिंगार ने कहा था, जब दिग्विजय सिंह के इशारे पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, श्रीमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तब ये कहा गया था किस पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री केवल दिखाने के लिए कोई और है और रिमोट कोई और है, आपको ध्यान में होगा। और उमंग सिंगार ने कहा था, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू माफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया और सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है, तो वो दिग्विजय सिंह। तो उमंग सिंगार कभी कभी कुछ बातों को बोलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आदिवासी भाई और बहनों के साथ ये कांग्रेस हमेशा छल कपट करती रही है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जिन्होंने एक बयान दिया, वीडियो भी वायरल हुआ और इस पर अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी तंज कस दिया है। देखिए, वीडियो बुधवार का बताया जाता है और एक कार्यक्रम के दौरान जब भीतर बात चल रही थी जनजाति वर्ग को लेकर, उसी दौरान कहा है उमंग सिंगार ने। उमंग सिंगार के निशाने पर दिग्विजय सिंह पहले भी रहे हैं, हालांकि इस वीडियो में उन्होंने नाम नहीं लिया, जैसा हम देख रहे थे उन्होंने कहा कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग का इशारा क्या उन्हीं की तरफ है, दिग्विजय सिंह जी की तरफ इशारा है, क्योंकि उनकी और दोनों की बहुत अच्छी जो बातें चलती रहती है, जिस तरह की सियासत में खबरें आती रहती है, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के लिए कहा होगा जिस तरह इशारा उन्होंने किया। लेकिन इस बयान के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका मिला। हाल ही में अभी हमने देखा कि एक बड़ी बैठक भी हुई थी जिसमें ये कहा गया कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या डर है उमंग सिंगार को कि जनजाति को कांग्रेस के भीतर ही कुछ लोग रोकना चाहते हैं? और इस बार तो 2023 में जनजाति को लेकर सियासत भी खूब है, दोनों दल उस पर काम कर रहे हैं, पर इस तरह के यदि वीडियो सामने आते हैं, अब इसमें भीतर की खबर क्या है ये बेहतर तरीके से उमंग सिंगार समझ रहे होंगे, पर इशारों में जो कह दिया वो कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला। बिल्कुल मनोज जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।